रूपांतरण गुणांक, हेडिंग दीजिए कन्वर्जन फैक्टर, रूपांतरण गुणांक, कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर रूपांतरण गुणांक लिखिए, किसी भौतिक राशि को मात्रकों के किसी भौतिक राशि को मात्रकों के एक समूह से दूसरे में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक गुणांक को रूपांतरण गुणांक कहते हैं, रूपांतरण गुणांक कहते हैं। देखिए, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सेट ऑफ यूनिट्स टू द अदर कॉमा द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर। देखिए, भौतिक राशि का परिमाण इक्वल टू आंकिक मान इनटू मात्रक। आंकिक मान को स्मॉल एन से लिखते हैं, मात्रक को यू से। लिखिए, magnitude of a physical quantity equal to numeric value small n into unit u। अब लिखिए बच्चों, मात्रकों के एक समूह से दूसरे समूह में पैराग्राफ चेंज करके, मात्रकों के एक से दूसरे समूह में रूपांतरण करते समय भौतिक राशि का परिमाण नियत रहना चाहिए। While conversion from one set of units to the other, the magnitude of the quantity must remain same. Therefore, N1 U1 equal to N2 U2 equal to constant। ये आपका काम में आएगा अभी, ये कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। जब कोई MKS से 1 CGS में अगर के, ठीक है, तो ये काम में आता है।
जैसे एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल लिख लीजिए बच्चों, अगर अपन करें 1 मीटर, 1 मीटर ऐसा ही यूनिट होती है, 100 सेंटीमीटर ये सीजीएस यूनिट होती है, और 3.28 फिट ये एफपीएस है, ये एफपीएस है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ये इस तरीके से जब अपन रूपांतरण का गुणांक करेंगे ना, तो ये अपन काम में लेंगे, n1 u1 = n2 u2 = constant, इसलिए मैंने लिखा है रूपांतरण गुणांक। हेडिंग दीजिए, अब नई हेडिंग दीजिए, कल जो अपन ने टॉपिक छोड़ा था वहां से आगे से, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पहला लिखिए, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति में बदलने के लिए, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने के लिए, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर, इसके अंदर लिखिए, यह इस तथ्य पर आधारित है कि इसके अंदर लिखिए, अब ये तो एडिंग थी, यह इस तथ्य पर आधारित है कि एक भौतिक राशि का परिमाण मापन पद्धति पर निर्भर नहीं करता। देखिए, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम whatever system is used in measurement करने के लिए कोई भी सिस्टम यूज किया गया हो, इस चीज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो लिखिए बच्चों, वो वही वाली बात आ गई, मैग्नीट्यूड इक्वल टू
एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू। देखिए इक्वल टू कॉन्स्टेंट, परिमाण इक्वल टू, हिंदी में परिमाण इक्वल टू एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बच्चों ऐसा लिख लो आप इसको, जैसे मुझे एन टू निकालना है तो एन टू इक्वल टू एन वन यू वन अपॉन यू टू, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एन वन तो ठीक है, एन वन तो ठीक है, यू वन की जगह लिख देता हूँ एम वन की पावर ए, एम वन की पावर ए, एल वन की पावर बी और टी वन की पावर सी डिवाइडेड बाई एम टू की पावर ए, एल टू की पावर बी और टी टू की पावर सी, ठीक है, इक्वल टू एन वन एम वन अपॉन एम टू, एम वन एम अपॉन एम टू की पावर ए, एल वन अपॉन एल टू की पावर बी और टी वन अपॉन टी टू की पावर सी, और ये एन टू हो गया। ये लिख लीजिए, लिखिए बच्चों एन टू लिखिए, न्यूमेरिक वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, एन टू लिखिए न्यूमेरिक वैल्यू सेकंड सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम एन वन, न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम हिंदी में लिखिए द्वितीय पद्धति में आंकिक मान, एन वन लिखिए प्रथम पद्धति में आंकिक मान, एन टू लिखिए द्वितीय पद्धति में आंकिक मान, प्रथम पद्धति में आंकिक मान, द्वितीय पद्धति में आंकिक मान, एम वन क्या है, एम वन क्या है यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम, एल वन क्या है यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, प्रथम पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, प्रथम पद्धति में लंबाई का मात्रक, टी वन प्रथम पद्धति में समय का मात्रक, प्रथम पद्धति में समय का मात्रक, यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, लिख लिया गया। अगला लिखिए एम टू एल टू और टी टू, क्या लिखोगे, प्रथम पद्धति में सॉरी द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, द्वितीय पद्धति में लंबाई का मात्रक, द्वितीय पद्धति में समय का मात्रक, ठीक है, यूनिट ऑफ मास इन सेकेंड सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकेंड सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकेंड सिस्टम, यूनिट ऑफ टाइम, कर लो बच्चों। चले गया, एक एग्जाम्पल लिखो बच्चों, एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, ये तो बहुत सीधा सा है ना, ये तो सब आते हैं ना, आप आते हैं ना, क्या हमें क्या आता है आपको पता है ना। हाँ देखिए, देखिए बच्चों लिखिए एक न्यूटन, हेडिंग दीजिए सवाल लिखिए सॉरी, एक न्यूटन एक न्यूटन जो कि क्या है, बल का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, हिंदी में लिखना था ना, न्यूटन
एक न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक है, बल का ऐसा ही मात्रक, एक न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक को डाइन बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक में परिवर्तित कीजिए, में परिवर्तित कीजिए, में परिवर्तित कीजिए। इंग्लिश में लिखिए बच्चों, कन्वर्ट वन न्यूटन, कन्वर्ट वन न्यूटन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स टू डाइन, इनटू डाइन, यूनिट ऑफ सीजीएस, ये वाला। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, देखो ध्यान से देख लो, ठीक है? मैंने मिटा दिया, ठीक है? इधर देखो बच्चों, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा है नहीं। अपन ने कहा था एक फर्स्ट सिस्टम ले लेना और एक सेकंड सिस्टम ले लेना, एक सेकंड सिस्टम ले लेना, ठीक है? फर्स्ट सिस्टम क्या हो गया? बल हो गया, ठीक है? फोर्स हो गया, ठीक है? यहां पर भी क्या हो गया? फोर्स ही हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया? एम के एस हो गया, और या ऐसा यूनिट, या ऐसा यूनिट, और ये हो गया सी जी एस हो गया, ठीक है? दैट इज, यहां पर बात करेंगे एन वन, एम वन, एल वन और टी वन की बात करेंगे, यहां पर एन टू, एम टू, एल टू और टी टू की बात करेंगे, बराबर? बल बराबर क्या होता है बच्चों? बल बराबर एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, एफ इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एफ बराबर के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर, ठीक है? देखो बच्चों, ये आ जाएगा फोर्स इक्वल टू एम वन, एल वन और टी माइनस टू आ जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब ए बी और सी की वैल्यू आ गई अपने पास में, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन और सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस टू, ठीक है? ये आ गया समझ में? अब इसको यहां पर क्या लिखते हैं? इसको केजी में, मीटर में, सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं, लिखते हैं ना एम वन एल वन को। देखो एम वन ये हो गया, एल वन आपका ये हो गया और टी वन आपका ये हो गया, हो गया। अब यहां पर एम टू, एम टू किस में लिखेंगे? सीजीएस है, सेंटीमीटर में, और इसको बोलो तो, सॉरी, इसको ग्राम में, सेंटीमीटर में, और इसको सेकंड में, ठीक है? इसको भी यही वाली बात है, इसको छोड़ दो, देखिए बच्चों, एन वन, एम वन, एल वन और टी वन, इसको ये तो यूनिट वैल्यू है, ठीक है? यूनिट वैल्यू यहां पर क्या है बच्चों? वो एक न्यूटन बोला था, ठीक है? एन वन का वैल्यू एक हो गया, एन वन का वैल्यू कितना हो गया? एक हो गया। एम वन कितना हो जाएगा? केजी में हो जाएगा, ठीक है? एल वन किस में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा, ठीक है? टी वन किस में हो जाएगा? सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है? ये ग्राम में हो गया, ये सेंटीमीटर में हो गया, में हो गया। तो एन वन यू वन इक्वल टू एन टू इन टू कितना हो जाएगा? यू टू, ठीक है? अपने को पूछा क्या है? अपने को पूछा क्या है? एन टू का वैल्यू पूछा है, एन टू इक्वल टू एन वन यू वन और डिवाइडेड बाई यू टू हो जाएगा, ठीक है? एन वन का वैल्यू वन दे रखा है, ये दे रखा है एम वन की पावर ए, एल वन की पावर बी और टी वन की पावर सी, डिवाइडेड बाई एम टू की पावर ए, एल टू की पावर बी और टी टू की पावर सी, ये दे रखा है अपने को, ठीक है? देख लो ध्यान से। अब देखो बच्चों, एन टू का वैल्यू इक्वल टू, एन टू का वैल्यू इक्वल टू वन, एम वन, एम वन के जी में है, ठीक है? एक के जी लिख लो और एक मीटर लिख लो और सेकंड लिख लो, सेकंड लिख लिया, ठीक है? ये आ गया, ये क्या आएगा? सेंट ग्राम की पावर, की पावर ए है, ए का वैल्यू कितना है? वन। मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर
वन और ए सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर माइनस टू, ये आ गया, आ गया यहां तक देख लीजिए बच्चों। अब इसको लिख देंगे, अब चाहे आप कैसे ही कर लो, केजी केजी एक किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इनटू ये 100 सेंटीमीटर, ठीक है 100 सेंटीमीटर सेकंड सेकंड होएगा, तो ये आ गया 10 की पावर 5, एन टू का वैल्यू आ गया 10 की पावर 5। इसका मतलब एक न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ये लो आ गया क्या समझ में? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ठीक है कर लो, ये तो अपने हाथ की बात है। हाँ बोलो क्या करें, तो फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को पढ़ाना कोई आसान बात है क्या? सर N1 की वैल्यू कहाँ से ली? आपको बोला है ना बच्चों एक न्यूटन, ऐसे बोला है ना एक न्यूटन, अगर ऐसे बोल देता ना 10 न्यूटन, ठीक है तो N1 का वैल्यू 10 हो जाता, आपको बोला है ना। देखो सवाल पढ़िए बच्चों, एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, तो एक न्यूटन को बोला है तो N1 = 1, समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बोलते ही नहीं है तो, अरे N1 का वैल्यू 1 समझ में आएगा रुचिका? ठीक है बच्चों करो इसको, ये लो पहले ये कर लो बच्चों। मेरी वो यार बुक्स तो यार है कल वाली, ओ पंकज भाई बुक लेके आया, पता नहीं वो मैंने रखी थी वहां पर, अब पता नहीं कहाँ गई। आज तो कर लिया गया गिरिजा, कर लिया गया? कर लिया सर। ठीक है मधु तेरे समझ में आ रहा है ना, तेरे को लेक्चर में कितने नंबर आ रहे हैं मेरे को तो ये बता दे, तैयारी की थी क्या, कितने नंबर आ रहे हैं? 100 कोले लेक्चर में मधु के, रिजा तूने दिया था कि कोले लेक्चर का पेपर दिया था। पेपर देने को तो हम कोई सा दिलवा लो, चाहे नंबर भी थोड़े चाहिए। हाँ देखो बच्चों सुनिए, अब लिखिए गुरुत्वीय त्वरण, लिखिए बच्चों गुरुत्वीय त्वरण जी का एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मान विमीय विधि द्वारा
सीजीएस व एफपीएस पद्धति में ही मान के याद कीजिए, सीजीएस व एफपीएस पद्धति में मान ज्ञात कीजिए, पद्धति में मान ज्ञात कीजिए। देखिए इंग्लिश में लिखिए बच्चों, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इन एमके सिस्टम इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस calculate the value of g in CGS and FPS, in CGS and FPS system। अच्छा तुम करोगे मैं करूं, मैं कर लूं। देखो बच्चों सुनिए, हेलो, देखिए बच्चों पहली बात तो ये कह रहा है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने को दे रखा है। ठीक है, इधर देखो बच्चों मैं कर दूंगा, देखिए एक मिनट में कर देंगे अपन। जी इक्वल टू, इसका मतलब अपने को क्या दे रखा है, हाँ पहले ऐसे कर लो ना, जी इक्वल टू 9.8, ये तो ठीक है, और ये क्या है केजी, ये क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब एल की पावर 1 है, ये एल की पावर क्या है 1, या सॉरी एम एफ 1 की पावर 0, एल 1 की पावर 1 और टी 1 की पावर -2, ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया जी इक्वल टू एम वन की पावर ए, एल वन की पावर बी और टी वन की पावर सी। इसका मतलब एन वन का वैल्यू हो गया 9.8, ए का वैल्यू हो गया 0, बी का वैल्यू हो गया 1 और सी का वैल्यू हो गया -2। ठीक है, अब देखो बच्चों एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, ये कह रहा है पहले आप एमकेएस में थे, पहले आप किस में थे एमकेएस में, आप यहाँ पर सीजीएस में आ जाओ, आप यहाँ पर किस में आ जाओ सीजीएस में आ जाओ। ठीक है, तो सीजीएस में अगर अपन आए तो अपने को एन टू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एन टू इक्वल टू हो गया एन वन यू वन प्लस यू टू हो जाएगा ना, तो एन टू इक्वल टू एन वन तो आपको 9.8 दे रखा है, ये हो ही गया एम वन अपॉन एम टू की पावर 1 तो 0, एल वन अपॉन एल टू की पावर 1 और टी वन अपॉन टी टू की पावर सी -2। ठीक है, तो एन टू इक्वल टू 9.8, इसका कोई मतलब नहीं है, एल वन मीटर और ये सेंटीमीटर में, तो 100 मीटर लिख देता हूं, 100 सेंटीमीटर लिख देता हूं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया एन टू इक्वल टू 980, एन टू क्या हो गया 980 हो गया। इसका मतलब सीजीएस में वैल्यू इसका कितना होता है 980 होता है एन टू का वैल्यू, समझ में आ गया दिमाग, जी का वैल्यू क्या होता है 980 होता है। ठीक है, सो जी का वैल्यू 980 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इन सीजीएस, ये लो कर लो बच्चों। सर एक बार ये 100 कैसे आए बताना, कौन से वाला, देखो बच्चों ये देखो, चलो पूरा कर देता हूँ, इधर देखो बच्चों एन टू इक्वल टू 9.8, एम वन तो देखो अगर ये 0 नहीं होता ना तो ये तो अपन केजी में लिखते हैं एमकेएस, और ये ग्राम में लिखते हैं की पावर 0 हो गया, ये अपन मीटर में लिखते हैं, ये सेंटीमीटर में लिखते हैं,
की पावर एक हो गया और ये सेकंड में लिखते हैं, ये सेकंड हो गया और ये भी सेकंड हो गया, की पावर माइनस दो हो गया, ठीक है। तो 9.8 अगर ये नहीं होता ना जीरो, तो एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम की पावर जीरो, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, ठीक है, एक मीटर में 100 सेमी होते हैं, और ये 1 की पावर कितना हो जाएगा माइनस दो, ऐसे आया। ओके सर, ओके। सर रूम मिटा है, हाँ मिटाना है। क्या कह रहे हो? समझ में आ रहा है कि सब बच्चों के? या आप देखो एक बच्चों सीजीएस और एफपीएस, अब इसमें कितना होता है, अब देखो चलो आगे चले, अरे आगे चलेंगे। हाँ यस सर। देखो बच्चों एक सीजीएस लिख लो और एक एफपीएस लिख लो, अब की बार ऐसे जाना है, एक सीजीएस में है, एक फुट पाउंड और सेकंड में है, ठीक है। देखो सुनो बच्चों, सीजीएस के अंदर जो आपका एन वन का वैल्यू, जो जी का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 980 और सेमी पर है सेकंड स्क्वायर, ये होता है। इसका मतलब है कि 980 N1 का वैल्यू, ओ मोबाइल जी 980, ठीक है ध्यान इधर रख, हाँ 980। और अब आपको बताइए इसकी यूनिट लिख लिया करो बच्चों, इसकी डायमेंशन लिख लिया करो, 980 तो ये क्या होता है L, L की पावर 1, T की पावर माइनस 2 और M की पावर 0, 0 ही हुआ ना, ठीक है। देखो बच्चों M की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर माइनस 2, ये हुआ। इसका मतलब A की पावर 0, B की पावर 1, C की पावर माइनस 2, एक बात तो यही हो गई। अब आपको ऑब्वियस सी बात है N1 U1 इक्वल टू N2 इंटू U2 निकालना है, तो इसका मतलब N2 इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2 निकालना है। N1 का वैल्यू हो गया 980 और ये हो गया M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C, ये हो जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा 980। अब आपको M1 CGS में अपन क्या लिखते हैं, CGS में अपन क्या लिखते हैं इसको बोलो तो, ग्राम, ग्राम में लिखते हैं एक ग्राम, और इसको एक पाउंड में लिखते हैं, एक पाउंड की पावर 0, ठीक है। आगे बोलो लेंथ बोलो, ये सेंटीमीटर में लिखते हैं बच्चों, और ये एफपीएस फुट में, ठीक है एफटी में लिखते हैं, क्या क्या बोलते हैं, एफटी बोल देता हूं, ठीक है ये सेकंड और ये सेकंड, और की पावर B का वैल्यू कितना, C का वैल्यू, तो अब इसका तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और अब आपको एक बात तो याद रखनी पड़ेगी कि एक फुट में 30.48 सेमी होते हैं, एक फीट में कितने होते हैं, 1 ft इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है समझ गए मेरी बात को। तो ये आ जाएगा बच्चों इक्वल टू 980, ये तो 1 हो ही गया, 1 डिवाइडेड बाई
30.48 ये फिट से फिट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका डिवाइड कर देना जो भी आपका आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा 32.2। एन टू का वैल्यू कितना आ गया, 32.2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ पी एस में जी का वैल्यू 32.2 और फिट पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। अरे आया गया समझ में? हाँ सर। चले गया बच्चों, हो गया क्या सुंदरा? यस सर। म्यूट तो करे। हो गया ना बच्चों? ए जनता। यस सर। अच्छा देखो अब है ना, ज्यादा तो अपने को मोह माया में पढ़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ काम की चीजें तो आपको याद है होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे देखो आप है ना, नोट दे के लिख लो बच्चों, जो कि आपके फेमस जो यूनिट है ना वो तो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे देखो नोट दे के लिख लो बच्चों, देखिए नोट दे के लिख लो, ठीक है, लिखिए 1 जूल इक्वल टू आपको बताइए 10^7 अर्ग होता है ना, 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग इक्वल टू 0.239 कैलोरी। एक तो ये याद रख लेना, 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग इक्वल टू 0.239 कैलोरी, एक तो याद रखना। और ये भी याद रखना, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 और जूल। ये देखो ये यहां पर ही लिख सकते हो आप, 1 जूल में 0.239 का भाग दोगे तो ये आएगा नंबर, आएगा ना, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में तो आप खूब फेमस है, तो ठीक है, 1.6 × 10^-19 जूल, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, 746 वॉट। और क्या बताऊं आपको, न्यूटन वाला बताई दिया, ठीक है। 1 kg watt इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है बच्चों। अब अपने को क्या नहीं करना, ज्यादा संकट में नहीं आना, इतना ही याद रखना, ठीक है, इनसे अपना काम चल जाएगा। अबे अगर कुछ करना चाहो तो ये कर सकते हो बच्चों, मैं कराऊंगे ये, या ये खुद करोगे, 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग खुद करोगे, ठीक है। देखो बच्चों मैं ही कर देता हूं, बाकी तो कर लोगे ना। देखो बच्चों, 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग, ठीक है, ये सीजीएस है और ये एमकेएस या
ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा यूनिट और एमकेएस में क्या अंतर होता है? लेंथ, लंबाई, द्रव्यमान और टाइम तो पहले ही लिया था, चार फंडामेंटल यूनिट और काम में ली थी उसमें, बस एमकेएस का, एमकेएस का ही संशोधित रूप है, ठीक है। तो देखो एमके जूल डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है एफ डॉट डी एस, पहली बात तो यही देख लो, इधर देखो तो मैं कर देता हूं बच्चों, हाँ देखिए W इक्वल टू एफ डॉट डी एस, तो ये आ जाएगा न्यूटन, या चलो ठीक है न्यूटन भी मत लिखा करो, एम ए इंटू मीटर हो गए तो, ठीक है हो गया ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया और फोर्स बराबर एम ए, एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब कई बार यहां पर भी एम मत लिख देना, यहां एम मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, नहीं एम मास की बात कर रहा हूं मैं, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये हो गया ठीक है W इक्वल टू। अब इसी को ही एक न्यू, ये क्या माना जाता है, एक जूल बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अपने को तो ये पता करना है ना एम वन एल टू और टी माइनस टू, इसका मतलब ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू और सी इक्वल टू माइनस दो, बस मुद्दा तो इतना ही था, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर एन टू इक्वल टू, एन टू इक्वल टू यू टू, सॉरी एन वन और ए, एम वन अपॉन एम टू की पावर ए और एल वन अपॉन एल टू की पावर बी और सी वन अपॉन सॉरी टी वन अपॉन टी टू की पावर सी, ठीक है। अब देखो एन वन तो वन ही दे रखा है, एम वन अपन इसको किस में लिखते हैं, एम के एस में, के जी से लिखते हैं, और इसमें किससे लिखेंगे बोलो तो, ग्राम से, ग्राम की पावर एक, ये लंबाई मीटर में, ये सेंटीमीटर में की पावर दो और ये सेकंड, सेकंड की पावर माइनस दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हजार इंटू सौ का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा दस की पावर सात, हो गया ना, एन टू का वैल्यू दस की पावर सात आ गया, तो एक जूल बराबर दस की पावर सात अर्ग, ठीक है। अब ये करना आना चाहिए वैसे तो, मुद्दा तो इतना ही है, लेकिन अपन तो बड़े हो गए ना, ठीक है, तो अपने को ऐसी चीजें तो कई बार याद ही रहती है, ठीक है। तो लेकिन आप ये याद रख लेना, बस आपका मुद्दा इतना ही है, ये याद रख लोगे तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं रुकोगे आप, ठीक है, बाकी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी अपन बड़े हैं, मेच्योरिटी लेवल अपना बड़ा है, ठीक है। फालतू की चीजें नहीं करनी अपने को, बिना मतलब का, ये सब यही जिंदगी नहीं है, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस वैसे ही बहुत बड़ा है, ठीक है, कर लो बच्चों ये। हो गया क्या बच्चों? मैंने कहा था यार पंखा बंद कर दो, लेकिन पंडित तेरे को कहा था अंदर,
चले गया, ठीक है। अब ये आपको मैं बताऊं कि आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती वैसे तो, ठीक है। एफ बराबर एम ए तो याद रख सकते हो ना, कोई रटने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर एम ए याद रख लेना, और जो कि एक न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। बाद में चाहे तुम किसी का ही लिखो, मैं सबका लिख दूं, डायमेंशनल जो एम एल टी फॉर्म होती है ना, मैं किसी की भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, देखो तीन चार चीजें बेसिक होती है, वैसे वो याद रख लो बस। देखो मैं तो हमेशा फॉर्मूले से काम करता हूँ, ठीक है। एक है ना अपने को क्या नाम है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं ग्यारहवीं क्लास की तैयारी नहीं कर रहे, पर आप ग्यारहवीं क्लास में थोड़ा हो, आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हो, थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड अलग रखना पड़ेगा। ग्यारहवीं क्लास के मुद्दे से नहीं पढ़ना, वहां तो बच्चों को यही नहीं पता कि केजी क्या होता है, मास क्या होता है, ठीक है। आप हमेशा कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो ना, ठीक है, तो उसकी यूनिट याद रखा करो, उसकी क्या याद रखा करो, यूनिट। अब जैसे देखो मैं तो ऐसे करता हूँ, एफ बराबर एम ए, मैं तो इनको कुछ नहीं लिखता, बल बराबर द्रव्यमान इनटू ये एक्सीलरेशन, ऐसा कुछ नहीं लिखता मैं, ठीक है। मैं एफ बराबर एम ए लिखता हूँ, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, एफ ऐसे लिख दिया करो, के जी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम वन एल वन और टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है, ठीक है, जैसे मुझे लिखना है घनत्व है, जैसे मुझे क्या लिखना है, डेंसिटी, ठीक है, क्या लिखना है, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू रो, रो इक्वल टू एम बाई वी, ऐसा लिखना आप, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास को लिखते हैं केजी और पर मीटर क्यूब, या ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, एम वन और एल माइनस थ्री टी जीरो, आप ऐसे लिख दो, ठीक है। अगला देखिए, एनीवन कोई ले लो ना, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, आप ऐसे लिख दिया करो बच्चों, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, इसका मतलब बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। बल के यूनिट तो ये रही, ठीक है, एम वन एल वन और टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट की एल वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम वन एल टू और टी माइनस टू, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ गए मेरी बात को, ऐसे लिख लो, कोई लिख लो चाहे, ठीक है। आगे देखिए, ये तो लिख लो, आगे कर देते 10-15 कर देते, हो गया क्या? अब देखो, देखो बच्चों, अब जैसे सपोज करो ये सब बातें आ गई आपको, सर स्क्रीन हीट कर रही है, नहीं हुआ हमारा, अच्छा ठीक है। लो बच्चों, जल्दी करो, धीरू भाई कैसे हंस रहा है, मैं फॉर्म में आ जाता हूँ, थोड़ा सा पढ़ाते। अरे हो गया क्या जनता, हो गया सर, ठीक है। देखो बच्चों, हो गया सर, देखो बच्चों सुनो, आप कोई भी फॉर्मूला ले लो ना, मैं ले लेता हूँ
एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो जानते हो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल टू जी अपॉन जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। सुनना, मैं इसका यूनिट निकालूंगा ना, जी की यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो जी इक्वल टू, सीधी सी बात है, एन इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और अपॉन के जी स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, जी इक्वल टू न्यूटन, न्यूटन एफ बराबर एम ए होता है, तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई के जी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम वन एल थ्री टी माइनस टू और ए माइनस वन, ठीक है, आ जाएगा नहीं, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये जी की यूनिट आ गई। कर लो बच्चों। सर इसको एक बार धीरे धीरे समझाना, धीरे धीरे समझाऊं, देखो बच्चों। देखिए बच्चों, आप, मैं ऐसे कह रहा हूं कि आप फोर्स तो जानते ही हो ना, यस सर, एफ बराबर एम ए होता है, ठीक है बच्चों, ऐसे लिख लिया करो, एफ बराबर एम ए, एम ए इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिख लिया करो, ये होता है के जी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू जी, अब एम वन मास है, ये लिख लिया करो बच्चों के जी स्क्वायर, ठीक है, और ये लिख लिया करो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कर लो बच्चों, जी की यूनिट चाहिए अपने को, तो जी इक्वल टू ये आ जाएगा के जी मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा, अपॉन के जी स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर और ए सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम माइनस वन एल थ्री और टी माइनस टू। हाँ ये सर, अब समझ में आ रहा है। तुम थपड़ के बैठी है, कर लिया सर। हाँ अरे आ गया क्या समझ में, मंसु, शशि, रेखा, रुचिका, आ गया सर। अब देखो बच्चों, आप तो मुझे किसी की भी यूनिट बोल दो, ठीक है, आप है ना हमेशा, अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है ना बच्चों, ठीक है, तो फर्जी तरीके से मत पढ़ना, ठीक है, आप बड़े हो गए हो, ठीक है, आप क्या हो गए हो, बड़े हो गए हो, अपने को जाने कौन देगा अदरवाइज, ऐसे कॉम्पिटिशन तो 200 बच्चों का ही है, अरे भाई सीधी सी बात है, कॉम्पिटिशन 200 बच्चों का ही है, आप वैसे मान लो, और 200 में से 150 पोस्ट जोर मार के आएंगे 120, ठीक है, तो 200 अगर अच्छे बच्चे हो गए ना, तो 300 की जरूरत ही नहीं है, फिर वो बैठे ना बैठे कोई मतलब ही नहीं है, 200 बच्चे है, ठीक है, 200 तो वो आपको बताइए मैं ही पढ़ा दूंगा, तुम्हारा तो नंबर आना ही नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, हाँ अब एनीवन, चलो ठीक है, आपको कोई भी बोल दो तो कैसा भी यूनिट कर दो, ठीक है, चलो ठीक है, आप ऐसा बोलिए, देखो f इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू और अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, f इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर बराबर, ये एक कूलम्ब फोर्स है, ठीक है, तो बच्चों k इक्वल टू होता है 1/4πε0 और क्यू वन क्यू टू और अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू f, ये हो गया बराबर, ठीक है। अब बच्चों अपन ये भी जानते हैं, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, yes, क्यू का यूनिट होता है कूलम, ठीक है, और टाइम हो ही गया, समय हो ही गया। अब देखो बच्चों, ये न्यूटन होता है, जैसे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट करनी है तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉरी क्यू वन क्यू टू अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो हो गया क्यू स्क्वायर और ये हो गया एफ इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू कितना हो गया एम्पियर इंटू टाइम का स्क्वायर हो गया, ठीक है, एम्पियर इंटू टाइम का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई, ये तो जानते ही हो आप, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और ये मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, एम्पियर की पावर 2, ठीक है, और ये है सेकेंड की पावर 2, ठीक है, ये हो गया केजी की पावर 1 और मीटर क्यूब,
और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो चार हो जाएगा ना ये, अरे चार हो जाएगा ना, ठीक है। तो बच्चों हो गए तो m माइनस वन, l माइनस थ्री और t की पावर चार और a की पावर दो, ये लो कर लो। अरे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? अरे बोलो, ये बोलोगे नहीं? नो सर। दिक्कत तो नहीं आई ना? नो सर। एवरीथिंग इज ओके। नो सर। हाँ अब और तो ऐसे चार पांच एक अगर ढंग ढंग के कर लोगे ना, इतने में ये डायमेंशन फॉर्मूले बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इतने ही बोधी ना इनमें, ठीक है। चले चलेंगे बच्चों? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब देखो प्लैंक कांस्टेंट एच की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। एच या एच कट एक ही बात होती है बच्चों। एच कट इक्वल टू एच अपॉन टू पाई। आपने ये बहुत बार सुना होगा ना, ई इक्वल टू एच कट ओमेगा, ठीक है, सुना है ना? यस सर। एनर्जी, ठीक है बच्चों, वर्क और एनर्जी की तो एक यूनिट होती है जूल। अरे डब्ल्यू और ई एक ही तो बात होते हैं, एफ डॉट डी एस, कार्य और ऊर्जा एक ही बात होती है, कार्य या ऊर्जा इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। बच्चों E बराबर एच कैट ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है? E अपॉन में एच कैट। हाँ, ओमेगा टू पाई न्यू। यस सर। टू पाई न्यू, और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या होता है? आवर्ती। हर्ट्ज। वन अपॉन टाइम पीरियड, वन अपॉन टाइम पीरियड, एक बटे आवर्तकाल, एक बटे आवर्तकाल। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अब है ना, अगर ऐसा कुछ बड़ा करेंगे ना अपन, ठीक है, छोटे छोटे तो ऐसे ही सड़ जाएंगे। अब बिना मतलब टाइम पास करते रहे, आवर्तकाल की अलग से लिखे, विस्थापन की अलग से लिखे, ये ना इंसाफी है, ठीक है। ये क्या है? ना इंसाफी है बच्चों, ठीक है। अब एच एच संभालना है मेरे को, तो एच ये तो अपन जानते ही है, ई का तो ये रहा, ठीक है, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड स्क्वायर, ये तो हो गया मेरा बल और ये हो गया मीटर, ठीक है, और वन अपॉन फ्रिक्वेंसी, ठीक है, वन अपॉन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी को मैं क्या लिख दूंगा? एम वन एल टू टी माइनस टू और कैपिटल टी, क्या लिखते हैं इसको? फ्रिक्वेंसी इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड लिखते हैं ना, तो एल की पावर माइनस थ्री ना, पर सेकेंड हो जाएगा सर। हाँ पर सेकेंड आएगा, अच्छा ये माइनस वन हो जाएगा, ये सेकंड ही तो आएगा, इसकी यूनिट सेकंड आ जाएगी ना, ठीक है। तो सही तो किया था, माइनस थ्री। सर फ्रीक्वेंसी सेकंड इन मंथ की पर सेकंड होती है ना सर? अब क्या ये सही नहीं है क्या? नहीं सर, सेकंड इनवर्स होगा ना ये फ्रीक्वेंसी न्यू। अच्छा अच्छा ठीक है, सेकंड इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस वन, एम वन एल टू टी माइनस वन, कीजिए बच्चों, एम वन एल टू टी माइनस वन, अरे अपने आप को म्यूट कर लिया करो बच्चों, ऐसे लिख लो।
वसुंधरा अपने आप को म्यूट कर ले, ये दूसरे डिस्टर्ब होते हैं लोग। हो गया क्या बच्चों? नो सर। हो गया सर। सर स्क्रीन हट रही है, स्क्रीन है आप, मैं जहां पर आ रहा हूं ना वहां डबल टेप कर दीजिए, स्क्रीन नहीं हटेगी। ठीक है, अब देखो बच्चों एक बात और बताऊं आपको, मैं और बताऊं क्या, ये हो गया ना? हो गया। चलो ठीक है, अब बच्चों देखो आप ये जानते हो ना F इक्वल टू क्यू वी बी, क्या कह रहे हो? एक बार फिर से बताना सर ये वाला। ये वाला, ये लो बच्चों इधर आओ वापस से, देखो आप है ना इससे तो घबराना मत, ठीक है। E बराबर एच कट ओमेगा और एच न्यू एक ही बात होती है। अच्छा ये तो बताया ना, E बराबर एच कट ओमेगा और एच न्यू एक ही बात होती है। अरे पता है कि नहीं पता है? हाँ सर। यस सर। पता चला एच अपॉन टू पाई और ओमेगा बराबर टू पाई न्यू तो इक्वल टू एच न्यू, पहली बात तो यही कर लिया करो, E बराबर एच न्यू होगा। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता है, कार्य या ऊर्जा बराबर बल इनटू विस्थापन होता है, न्यू बराबर आवर्ती होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो E बराबर, अब एच बराबर यहां से लिख लो, एच बराबर ई अपॉन न्यू और ये तो होगी ई की डायमेंशन, ठीक है, और ये होगी न्यू, न्यू होता है वन अपॉन सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, तो बन गया ये एम वन एल टू टी माइनस वन। स्नेहा समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। शाबाश। चलेंगे आगे, और कोई डंका डंका कोई ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और एप्सिलॉन नॉट तो ले लिया, और कोई बता दो, विस्कोसिटी। हाँ देखो बच्चों अब है ना कुछ तो आपको फॉर्मूले याद रहने ही चाहिए भाई, ठीक है, और विस्कोसिटी तो ठीक है, और कोई ले लो ना कोई डंका। ठीक है, एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए और डीवी अपॉन डीएक्स होता है शायद, ठीक है, विस्कोसिटी के लिए यही फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स, शांता गुणांक। अरे बोलो वो शांता गुणांक सिक्स पाई ईटा आरवी, क्या कह रही है? सिक्स पाई ईटा आरवीटी ऐसा भी होता छोड़ दे और ओ लिख ले आपने, ठीक है, सही है ये। देखो एक्चुअली में जब अपन फॉर्मूला लिखेंगे ना तो अपन ये लिखते हैं, ठीक है, सिक्स पाई ईटा आरवीट रेंट एफ बराबर माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स, ये लिख दूं क्या? ये डीवी अपॉन डीएक्स क्या है बच्चों? वेग प्रवणता। ये क्या है? वेग प्रवणता। देखो बल बराबर माइनस शांता गुणांक और एरिया बल और इनटू वेग प्रवणता, ठीक है, फोर्स इक्वल टू माइनस विस्कोसिटी इनटू फोर्स। अरे एरिया को क्षेत्रफल क्या? क्षेत्रफल एरिया और इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो ये सब फॉर्मूले आपको आ जाएंगे, बीच रास्ते में आ जाएंगे, ठीक है, आए होंगे ना कभी जिंदगी में, आए नहीं गए आपके, आए होंगे व्यक्तिगत तौर पे, ग्यारहवीं पढ़ना शुरू किया था, ग्यारहवीं बारहवीं बीएससी एमएससी, अच्छा बीएससी 3 साल एमएससी 2 साल, ठीक है, ऐसा कुछ काम होगा, बीएड 2 साल, ठीक है। तो देखो बच्चों एफ इक्वल टू ये हो गया, आप तो ये याद रख लो एफ बराबर माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स, अब आप इसके फिजिकल मीनिंग याद मत रखो, चाहे फिजिकल मीनिंग की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों पहली बात तो ये है,
मुझे ईटा निकालना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ईटा इक्वल टू, ये बाकी तो छोड़ो, ठीक है, बल बटा ए और डीवी अपॉन डीएक्स, ये कर देता हूं, सॉरी, हाँ ठीक है। अरे ये हो गया ना, ये देखो केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मीटर, यही तो आया, देखना एक एक बार देखना, देख लो, अरे देख लो, ए जनता स्नेहा देख ले, सही लिखा गया, अरे वसुंधरा देख ले, सही लिखा गया। देखिए बच्चों, आप तो ये देख लो मैंने सही लिखा है क्या, फिर देखो मैं कर दूंगा। देखो बच्चों, ये देखो m1 और मीटर से मीटर गया, l की पावर माइनस वन, ठीक है, और ये t की पावर माइनस तीन, t की पावर माइनस वन, m1 l माइनस वन t माइनस वन, अरे बोलो कर लो, तो नहीं है समझ में, आ गया सर, गया बच्चों, और कोई ख्वाहिश बोलो, मैग्नेटिक फील्ड की लिखूं क्या, अरे बोल ही नहीं रे, अरे मैग्नेटिक फील्ड है, देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल लिखूं क्या, नहीं सर कर लेंगे सर, इनको बोलो प्लीज खुद को अनम्यूट रखे, अच्छा सबका काम देता ही देता हूं, ठीक है, लो हाँ अब बोलो, अब हाँ और ना करते रहना, अच्छा पहले वाला नहीं लिखा है तो नीचे करूं, पहले वाला लिख लिया क्या, शाबाश, हाँ भाई आप तो हाँ या ना करते रहना, ठीक है, अच्छा आप अपनी मुंडी हिला दोगे ना, ठीक है, इधर उधर तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, मुंह मुंह मतलब ये वाला, यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, इसको मुंडी बोलते हैं, हाँ देखो बच्चों सुनिए, अब है ना आप है ना, अच्छा एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं, आप कोई भी दुनिया का फॉर्मूला याद रख लिया करो जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आए, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आए, सुविधा के लिए कोई फॉर्मूला, कोई जरूरी नहीं है एक स्पेसिफिक, जैसे एक लड़की ने बोला कि एफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी लिख लो, उससे भी हो जाएगा, उससे भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, फॉर्मूला कैसा भी हो जाए उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, उसके अंदर कितना आना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अपन कभी डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वो नंबर रखो जिसके अंदर अपन जानते हैं, जैसे बल के बारे में अपन बहुत जानते हैं, तो आप ये देखो मैं कितने शरणा आदमी हूं, ठीक है, मैंने बल ही बल रखा हर जगह, मैंने क्या रखा देख लो, किसी को भी बल के बिना काम नहीं किया, क्योंकि मैं बल की यूनिट जानता हूं, एफ बराबर है में, इसीलिए तो बोला मैंने कि बल का यूनिट याद रख लिया करो, बाकी छोड़ दिया करो मेरे ऊपर, ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड भी बल के बिना नहीं करूंगा, ठीक है, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू वी बी, ये तो जानते हो, एफ इक्वल टू क्यू वी बी, जो यूनिट जानते हो ना बच्चों वही लिखिया करो, आई इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा, ठीक है, बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी, तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एम्पियर इंटू सेकेंड मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड का बलिदान, एम वन एल वन और जीरो, एम वन एल जीरो, टी माइनस टू ए माइनस वन, ले लो हुआ गया, ओह जनता जनार्दन है,
अरे ये समझ में नहीं आया तो बच्चों दोबारा बोल देना, तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसके अंदर बल आए, जिसके अंदर क्या आए और बल, और बल याद रख लो बाद में तो फिर कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं होता जिसमें बल ना आता हो, ठीक है। अब याद नहीं करना चाहो एक अलग बात है। चलेगा चलेगा, उनको याद करो। प्रत्यास्थ गुणांक लिखाओ, प्रत्यास्थ गुणांक, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। अच्छा बच्चों देखिए, प्रत्यास्थता ऐसा ही होता ना, गुणांक इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, सीटी ऐसा ही टी वाई होता है, सी आई टी वाई होता है, हमें भी इतना ही आता है। हाँ देखो बच्चों, प्रत्यास्थ गुणांक पहले तो है ना इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है। देखिए आपको एक बात बताऊं, प्रतिबल जो होता है ना, प्रतिबल अनुकर्मानुपाती विकृति होता है, प्रतिबल अनुकर्मानुपाती विकृति, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर ये हटाएंगे तो स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, प्रत्यास्था की लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट इज लीनियर शेप में होते हैं, लीनियर टी को शो करते हैं इन द इलास्टिसिटी लिमिट, प्रत्यास्था की सीमा में, ठीक है बच्चों। ये होता है, मैं फिर बोल देना, बल बिना मैं काम करता ही नहीं हूं, ठीक है। इक्वल टू और लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा, अरे बोलो प्रॉपर वो, अरे अरे वो तो ठीक है, लंबाई में परिवर्तन अपॉन इनिशियल लंबाई, क्या बोलते हैं इसको, प्रारंभिक लंबाई, हाँ प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। ये भी लंबाई की यूनिट, ये भी लंबाई की यूनिट, तो ये तो हो गया डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। फोर्स पर यूनिट एरिया E इक्वल टू ये तो मैं जानता ही हूँ, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर इक्वल टू ई, और ई इक्वल टू एम वन एल वन एल माइनस वन और टी माइनस टू। अरे समझ में आया गया, ओ बच्चो गर्दन हिलाने वाला काम, अच्छा एक बात पूछूं आपसे, एक बात पूछूं आपसे, प्रतिबल जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर वेक्टर और टेंसर, बोलो बच्चों, बोलो हिमांशु, टेंसर। तो चलो ठीक है बताओ बेटा, टेंसर क्या होता है सर, जो स्केलर भी नहीं होता और वेक्टर भी नहीं होता, उसके 9 कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या 9 कंपोनेंट ही होते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, हाँ। देखो बच्चों आपने मैथमेटिकल में पढ़ा होगा टॉपिक टेंसर, ठीक है, एक सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं, एक सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं और एक मिक्स्ड टेंसर होता है, ठीक है, एक क्या होता है मिक्स्ड टेंसर होता है। तो टेंसर जो जनरल फॉर्म में होता है, टेंसर हमेशा क्या होता है जनरल फॉर्म होती है एक, ठीक है, और उसी के ही कुछ स्पेसिफिक अगर काम कर देंगे, विशेष अगर कुछ काम कर देंगे ना,
तो वही क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा, वही क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, टेंसर एक जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा अच्छे से। यहाँ तो ठीक है, ये टेंसर क्वांटिटी होती है वैसे तो, ठीक है, और इसके नो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और क्या लिखाऊंगा आपको मैं, जड़त्व अवगुण की लिखाऊं, अच्छा चलो ठीक है, और कुछ चलते हैं, बड़ी बातों की तरफ चलते हैं, मूव करें बड़ी बातों की तरफ, ठीक है। अच्छा इंटेंसिटी की लिखते हैं, ये मेरे को ये बहुत पसंद है, इंटेंसिटी, तीव्रता, इंटेंसिटी तीव्रता, ठीक है। अच्छा अब सुनो, मेरी तरफ ध्यान दो, एक मिनट मेरी तरफ ध्यान दो, शशि इधर देखो, देखो बच्चों, इंटेंसिटी आप तो ये याद रख लिया करो, इंटेंसिटी, ठीक है, और पावर पर यूनिट टाइम होता है। इंटेंसिटी क्या होता है, पावर, ये आगे इतनी जगह काम में आएगा, ये बड़ा मुद्दा होता है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि तीव्रता और फ्रिक्वेंसी में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, आपको भी तो नहीं पता, ठीक है। देखो बच्चों, पावर, और पावर इक्वल टू होता है बच्चों, पावर इक्वल टू होता है एनर्जी, एनर्जी बटे एरिया, ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल, पावर इक्वल टू, तो इंटेंसिटी इक्वल टू कितना हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, समझ में आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी जो वर्ड है ना, वो एरिया पे डिपेंड करती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एरिया मैटर करेगा उसके लिए, ठीक है। फ्रिक्वेंसी के लिए एरिया मैटर नहीं करता, फ्रिक्वेंसी के लिए क्या मैटर नहीं करता है, वन अपॉन टी, आपने देखा होगा, ठीक है, कि किसी भी होल से पर सेकंड निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपन फ्रिक्वेंसी कहेंगे, बराबर। लेकिन इंटेंसिटी इस बात से संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है, पर सेकंड, वो कहेगा कितने एरिया में से, कितने एरिया में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो कितना एरिया लिया, तो इसका मतलब आप इंटेंसिटी बात कर रहे हो, और अगर एरिया इंडिपेंडेंट है तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, समझ आगे सर, ये दोनों में अंतर होता है, बताओ समझे कि नहीं समझ। अरे लोकल भाषा में फिजिक्स पढ़नी है अपने को, ठीक है, समझ आगे दिमाग, आप देखो फॉर्मूले से समझते हैं ना, ठीक है, आई इक्वल टू पावर पर यूनिट टाइम। अच्छा एक बात पूछू, क्या क्या बात पूछोगे, हाँ बच्चो, पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है ना, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर वो इंटेंसिटी की ही यूनिट होती है, पॉइंटिंग वेक्टर होता है वो क्या होता है, इंटेंसिटी की ही यूनिट होती है, पॉइंटिंग सदिश, नाम सुना है ना, सुना है क्या ए जनता, हाँ छोड़ो। देखो बच्चों, अब बोलो यहां तक समझ में आ गया, अच्छा चलो ठीक है छोड़ो, तीव्रता और फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन में क्या बोलोगे आप, आपको कोई पूछे इंटेंसिटी क्या होता है तो आप ऐसे बोल देना, सर एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी कहलाता है, और फ्रीक्वेंसी पूछे तो कह देना सर पर सेकंड को ही अपन क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, ठीक है, पर सेकंड अगर किसी हॉल से निकल रही है तो उसको अपन उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, और अगर एरिया भी मैटर करता है वहां पर, ठीक है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। अच्छा इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो वर्ड आते हैं वो कहाँ काम में आते हैं, मुद्दा तो ये है कहाँ काम में आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऑफ ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लो, ठीक है, अरे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चार फैक्ट होते हैं ना, पहला फैक्ट क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ठीक है, चलो ठीक है, वो तो अपन बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया दिमाग, धारा प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, तीव्रता होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है,
करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है, जबकि दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि जो फिर भी आती, ठीक है, देखिए आई इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, समझ में आ गई। अब बोलो, अब डब्ल्यू इक्वल टू, मैं कह रहा हूं ना इसके बिना तो मैं काम करता ही नहीं हूं, एफ डॉट डी एस, वर्क और एनर्जी एक ही बात होता है। अब देखो कर दो वैसे ही लोग, देखो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर, ये लो हो गया। तो इंटेंसिटी इक्वल टू, देखना मत समझ में आ जाएगा नहीं, एम वन एल माइनस वन टी माइनस थ्री और जीरो, इंटेंसिटी की यूनिट एम वन एल जीरो टी माइनस थ्री, बोलो यही होती है ना, कर लो। तो अरे कोई डाउट है तो ऊपर हाथ कर देना, बता देंगे। कोई डाउट है क्या बच्चों? हिमांशु, हिमांशु क्या कह रही है? पावर तो लिखित हो गया, पावर तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो पावर की भी यूनिट लिख दो बच्चों, पहले लगे पावर इक्वल टू एनर्जी तो बोला है, तो यही हो जाएगी ना एम वन एल टू टी माइनस टू अपॉन एल टू, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा एम वन एल जीरो टी माइनस टू, ये पावर की होगी इधर। आसान फिर से, आसान बहुत है ना, बोल ही नहीं रहे, हाँ बनने में इनको दिक्कत होती है। अरे झूठ मूठ हाँ तो भर दो, धीरे धीरे तो आएगा। हाँ अरे हो गया क्या बच्चों? फिजिक्स सुमित्रा सुमित, अच्छे डॉक्टर हर्षा शर्मा, दीपा यादव, दुर्गेश जी, ये अपने गेस्ट है सब। हाँ देखिए अरे गिरिजा समझ में आ गया क्या? चलो ठीक है, अब बच्चों और बताओ किसकी लिखाऊं जो आपको हार्ड लगती है? स्टीफन कांस्टेंट, अरे स्टीफन कांस्टेंट के लिखे क्या तुम? लिख दो, हमारे बारे में पता नहीं है क्या? हाँ देखो बच्चों, सबसे आसान फॉर्मूला लिखिए जिसके अंदर स्टीफन कांस्टेंट आता हो। देखो बच्चों स्टीफन कांस्टेंट, अरे बहुत आसान होते हैं ये, स्टीफन नियतांक, ई बराबर सिग्मा टी फोर है, फेमस है, ई बराबर सिग्मा टी फोर, तो सिग्मा इक्वल टू ई बाई टी फोर, बल बिना काम करेंगे नहीं, ठीक है, ये सोच के आए हैं, ठीक है, टी फोर, तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी फोर एम वन एल टू टी माइनस टू और केल्विन फोर, टेम्परेचर को क्या लिखोगे बच्चों? केल्विन फोर, बोलो। केल्विन माइनस फोर, अरे समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जैसे नाम सुना था अपन स्टीफन कांस्टेंट, तब तो लग रहा था नहीं होगा, ठीक है स्नेहा समझ में आ गया क्या? भारती, स्नेहा, रुपेश, पूनम, मैं तुम्हारे को म्यूट कर देता हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता। हाँ बोलो।
टी माइनस थ्री आएगा सर। क्या करेगा? टी माइनस थ्री आएगा, आपने मीटर छोड़ दिया ना वो। अरे यार सॉरी भाई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मिनट, ई बराबर सिग्मा टी फोर। अरे समझ गया भाई, समझ गया। स्टीफन नियतांक, इसके अंदर पर सेकंड की बात की गई है, ठीक है। इसके अंदर यहां पर सेकंड स्टीफन नियतांक को ई बाई टी लिया जाता है। सॉरी, ये जो ई बराबर सिग्मा टी फोर जो डेवलप होता है ना, ये पर सेकंड होता है, ठीक है। और यहां पर सेकंड को काम में नहीं लिया गया, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू ई बाई ए टी होगा सर, एरिया टाइम। हाँ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। और कोई बोलो ना, स्टीफन नियतांक का और कोई फॉर्मूला बोलो। ई बराबर सिग्मा टी फोर से मत करो, क्योंकि इसके अंदर पर सेकंड काम में लिया गया है। इसके अंदर क्या काम में लिया गया है? पर यूनिट एरिया पर सेकंड। और कोई बोलो। देखो आप ऐसा लिखो सिग्मा, अच्छा ई इक्वल टू सिग्मा, एक मिनट रुको, तुम रुको। स्टीफन नियतांक ई इक्वल टू पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इक्वल टू सिग्मा टी फोर, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ई बराबर सिग्मा टी, इसके अंदर पर यूनिट एरिया और पर सेकंड काम में लिया जाता है। अब आएगा ये सही, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू ई अपॉन टी इंटू ए इंटू टी फोर, ठीक है। अब केजी फोर्स इंटू डीएस ना, एक मिनट तुम रुको। बस चालू नहीं करना। अरे यार बातें मत करो रे। सॉरी भाई, एम वन एल जीरो और टी माइनस टू और केल्विन माइनस फोर, ये आएगा। सॉरी माइनस थ्री, सॉरी भाई, ये ध्यान रखना। मैंने ई बराबर सिग्मा टी फोर काम में ले लिया था, जबकि ई बराबर पर यूनिट एरिया पर सेकंड काम में लिया जाता है, ठीक है। और या इसके ऐसे लिखा करो, पावर लिख दिया करो। ये इंटेंसिटी की यूनिट है ना, इंटेंसिटी की तो यूनिट है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। इंटेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू टी फोर होता है, इंटेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू टी फोर होता है बच्चों। अरे समझ में आ गया क्या? कर देते ना। थैंक यू भाई, एक बच्चे ने अच्छा बताया। अब देखो बच्चों, और काम करें। अरे और काम करें क्या? यहां तक सभी बच्चे ठीक हो ना? थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना घर पे? अच्छा, मैंने बिल्कुल फर्जी तरीका काम में नहीं लिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने स्टैंडर्ड उठाया है यहां से, ठीक है। देखो बच्चों, अगला विभवांतर की यूनिट लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की। कैसे लिखोगे आप बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस।
बोलो कौन सा फॉर्मूला कोई काम में लेगा, बोलो 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 बोलो, इसके अंदर बल आए W अपॉन क्यू वाला, W इक्वल टू क्यू वी वाला। हाँ बच्चों ठीक बोला, W इक्वल टू क्यू वी वाला काम में ले लो, ठीक है। U इक्वल टू क्यू वी या W इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। अरे सुनो रे ए जनता, देखो V इक्वल टू W अपॉन क्यू और I इक्वल टू Q अपॉन T, W इक्वल टू F इंटू डी एस, ठीक है। तो V इक्वल टू W की जगह वैल्यू पुट कर दो, के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और एम्पियर इंटू सेकेंड, यही आएगा ना, बोलो रे मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना, कोई बोलता ही नहीं। अच्छा एरिया थोड़ा ना है, एम्पियर है। तो एम वन एल टू टी माइनस थ्री और एम्पियर माइनस वन, ये लो एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, बोलो बच्चों ए जनता। अरे वसुंधरा समझ में आ रहा है क्या? मैं तो वसुंधरा का ध्यान रखना पड़ेगा। वसुंधरा यस सर, आ रहा है क्या? यस सर, ये तो खुद ने कर लिया था एकदम सही। अरे वाह, हाँ अच्छा बच्चों और अच्छा अब कर देंगे, जब अपने पास में वी की यूनिट आ गई तो अब है ना सब जगह वी वी काम में लो। जब वी आ गया तो सब जगह क्या काम में लो, वी वी, जैसे सी बराबर क्यू अपॉन वी, धारिता इक्वल टू, ठीक है। अब वी वी काम में लेना है, अब वी वी लिख लो, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन होता है, आप तो ये याद रख लेना, ठीक है। अरे जरूरत पड़ेगी ना, देखो बच्चों वी की याद है, बोली अरे वी की याद है, याद है सर, ठीक है बच्चों देखिए। अरे सुनो रे वी इक्वल टू आ रही, जरा याद इन्हें भी कर लो, रेजिस्टेंस प्रतिरोध की यूनिट, अगर एग्जाम में आ जाए तो तुम जिंदगी में नहीं करो ये, प्रतिरोध इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एम वन एल टू टी माइनस थ्री एम्पियर माइनस वन, आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो आई बराबर ये क्या हो गया, अब आई की भी तो लिखनी पड़ेगी, एम्पियर सीधी में। अच्छा अपन क्यों करें, ये एम्पियर ही तो हो गया ना, तो एम वन एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस टू, ये लो। अरे बोलो रे फिर भाई, अगेन सुन में बहुत इंटरेस्टिंग है, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा रुचिका आ गया समझ में, अच्छा मेरे को बार 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 बार, अरे वो क्या नाम है, इंड्यूस करते जाओ। अच्छा सबको समझ में आ गया बच्चों? यस सर। अच्छा अबे वी का याद रख लो, अपन बहुत सारा काम कर देंगे, क्योंकि पहले बल से जता दिया था काम अपन ने, जब इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाए ना, ठीक है ये ईडी आ जाए तो वी को याद रखो। और बोलो सी बराबर क्यू अपॉन वी, ठीक है। धारिता इक्वल टू कैपेसिटी इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है ना। अरे यार बोलो रे सर, ये सर या क्यू बराबर सी वी, ठीक है। तो बच्चों सी और आई बराबर क्यू अपॉन टी, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई वी, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और ये आ जाएगा एम माइनस वन एल माइनस टू और टी माइनस टू और एम्पियर जीरो, ये आ जाएगा एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर, टी फोर बच्चो ये माइनस थ्री और टी वन, अच्छा ठीक है ए वन टी वन डिवाइडेड बाई एम वन एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। अब अरे एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर और ए
टू आएगा, टू। ठीक बच्चों, फेमस फेमस सारी चीजें याद कर। बात सर, टी की पावर फोर कैसे आया? देखो बच्चों, टी की पावर माइनस तीन, और ये टी एक ऊपर और था, ठीक है, तीन रेख चार, ये सेकंड है ना। तो सर वो तो प्लस की घात है ना ऊपर वाली। हाँ, ये ऊपर जाके तो प्लस में जाएगा। ठीक है सर। हाँ। ओके ओके, आ गया आ गया। ठीक है बच्चों, हो गया ना। देखिए अब आपको ठीक रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है, वीन नियतांक की करवाता हूं, वीन कांस्टेंट करवाऊं क्या? हमेशा एक आसान सा फॉर्मूला याद रख लो और उससे सब काम हो जाते हैं। ठीक है, आपने क्या सुना है वीन कांस्टेंट के बारे में? कोई बोलेगा वीन कांस्टेंट? लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। वीन नियतांक क्या बोला? लैम्डा इक्वल टू बी अपॉन टी। ठीक है, बी बोलते हैं इसको। ठीक है, बी बराबर लैम्डा टी। बी क्या है? टेम्परेचर है, टाइम पीरियड मत लिख देना। तो बी इक्वल टू वेवलेंथ, तो वैसे भी लंबाई की यूनिट होती है। अरे लंबाई की यूनिट होती है ना। ठीक है, ये तो हो जाएगा एम वन, एम जीरो, एल वन, टी जीरो, और ये आ जाएगा केल्विन वन। ठीक है, तो बी इक्वल टू एम जीरो, एल वन, टी जीरो, के वन। ये लो, क्या आपको अजीब अजीब लग रहे हैं ना, क्योंकि आपने कभी लिखे नहीं ना? नो सर। हाँ, कई बच्चे तो ग्यारहवीं बारहवीं में पढ़ाते होंगे ना। अच्छा और बोलो, कोई तुम्हारी सेवा में कमी हो तो। अच्छा चलो ठीक है, अपन क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का करते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स ऐसे कुछ होता है ना। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइव बराबर। किसी का माइक को उसको ऑफ करवाइए। हाँ बच्चों, सभी म्यूट करो अपने आप को। देखिए अब ए फाई चुंबकीय फ्लक्स को किसे लिखते हैं? फाई बराबर बी डॉट ए। अरे यही होता है क्या? यही होता है ना। अब ए मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है। ठीक है, एफ इक्वल टू क्यू बी बी। ठीक है, तो फाई इक्वल टू, मैं बी की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं, एफ इक्वल टू क्यू वी और इनटू एरिया। ठीक है, जिसमें बल आ जाए बस, के जी, ये ऊपरी पर लिख दू ना, मीटर तीन लिख दू ना। अरे बोलो। हाँ, आई बराबर क्यू अपॉन टी, एम्पियर इंटू सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया एम वन एल ए माइनस दो ना, सॉरी दो, और सेकंड से सेकंड टी माइनस दो, और एम्पियर माइनस वन। ये फ्लक्स लो ध्यान से, एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, अब और कोई बात हो तो बताओ, और किसी की लिखनी हो। अच्छा ठीक है,
स्वप्रेरण गुणांक की लिखते हैं। लिखें, देखो बच्चों, स्वप्रेरण गुणांक स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? एल से एल आई, आई प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाइव इक्वल टू होता है एल आई, चुंबक के फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो स्वप्रेरण गुणांक आ जाएगा, ठीक है। अभी तो लिखा था फाइव अपॉन आई, फाइव की यूनिट लिखी रखी है ना सीधी, अरे लिख रखी है ना, क्या हुआ? बोल बोल, क्या हुआ? अच्छा, स्वप्रेरण गुणांक को क्या बोलते रहे? सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। बच्चों एक बात बताओ, M1, L2, T-2, D-2 और A-1 डिवाइडेड बाई I, I क्या हो जाएगा? Q अपॉन T ना, I एम्पियर बदल दूँ, लिख दूँ सीधा ही, तो आ जाएगा M1, L2, T-2 और A-2, ये लो। आज तो सारे बच्चे फॉर्म में हो, आज तो कोई बच्चा भागा नहीं, धीरे धीरे तुम तो इंटेलिजेंट हो रहे हो। हाँ, आपकी संगत का असर है सर। हाँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ज्यादा कोई मुद्दे वाली बात अब रही नहीं है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जानते ही हो आप, ठीक है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा एक बात कराऊं क्या आपको, एक आपको ऐसे ही याद करवा दूंगा, एक चीज नॉर्मली याद करवा दूंगा, ठीक है। एक अपन ऐसे ही बात करते, ठीक है, आपको हमेशा कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है, क्योंकि आप जो चीजें जानते हो ना बच्चों, दो चीजें होती है, देखिए, ना तो डायमेंशन लिखने में दिक्कत आएगी और ना क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। देखो बच्चों, एक होता है ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, और एक होता है रोटेशनल मोशन। आप तो इतनी याद रख लेंगे, मेरे तो ऐसे ही याद है ये सब चीजें। एक तो होता है ट्रांसलेशन मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन, ठीक है। सपोज करो अपन डायमेंशन ही लिख रहे हैं, सपोज करो अपन फॉर्मूले ही लिख रहे हैं, आप तो ऐसे मान लो, ये तो होती है स्थानांतरणीय गति, स्थानांतरणीय गति, ये बड़ा मुद्दा है ऐसा कुछ, और ये होती है घूर्णन गति, अरे ये होती है घूर्णन गति। अच्छा देखो, सबको पता है, देखो सभी अच्छे बच्चे हो आप, गति के समीकरण तो सभी जानते हैं, बराबर, गति के समीकरण तो सभी जानते हैं ना, ठीक है, बोलो v इक्वल टू यू प्लस at, बोलो बच्चों v इक्वल टू यू प्लस at, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस है, समझ में आ गया। अब देखो मैं यहां काम कर रहा हूं, v होता है फाइनल वेलोसिटी, v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है, अंतिम वेग। u क्या होता है? इनिशियल वेग, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? त्वरण, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। टाइम होता है समथिंग, टाइम क्या होता है? टाइम, समय, ठीक है। अब है कुछ नहीं करना बच्चों, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस एल्फा इंटू टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ठीक है।
और वी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू एल्फा इंटू थीटा। इसका मतलब ये हुआ, देखो ट्रांसलेशन मोशन जो होती है ना वो नेचुरल टेंडेंसी होती है पार्टिकल, क्या किया होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है, ठीक है, वो लेके पैदा होता है गुण, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन, उसको अगर ट्विस्ट करवाया जाए ना तो वो होती है रोटेशनल मोशन, घुमाया जाए जानबूझ के, ठीक है। तो देखो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब अगर वर्ड याद रख लोगे तो v का काम यहां ओमेगा करेगा, बराबर, v का काम यहां कौन करेगा, ओमेगा करेगा, ठीक है, यहां ओमेगा नॉट u का काम ओमेगा नॉट करेगा, बराबर। अरे ओमेगा नॉट का काम कौन करेगा, u करेगा, एक्सीलरेशन का काम कौन करेगा, अल्फा करेगा, ठीक है, मास का काम कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, और थीटा का काम, एस डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करेगा, थीटा करेगा, एंगल करेगा यहां पर, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अच्छा ये क्यों करवा रहा हूं, मुद्दा तो ये है ना, डायमेंशनल लिखने के लिए, डायमेंशन लिखने के लिए आपको ये सब चीज। अच्छा मैं जल्दी जल्दी क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है, मुझे क्या याद है, फॉर्मूला याद है, और मुझे वो फॉर्मूला याद है जिसके अंदर है एफ आई बार बार, ठीक है। तो अपन ने तीन ही काम किए थे, एक जिसके अंदर एफ आई वो काम किया, और एक ही जिसके अंदर वी आई वो काम कर, सारे हो गए थे ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, चलो ठीक है, मोम आया, देखिए वापस से इधर ट्रांसलेशन मोशन और इधर लिख दिया रोटेशनल मोशन। अब और कोई काम करता हूं, दीपा और वसुंधरा दोनों ही अपने आप को म्यूट करो, ठीक है। हाँ देखो बच्चों सुनो, ठीक है अब बोलो, देखिए यहां पर क्या लिखूंगा, ये मोमेंटम होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। अच्छा एंगल लगा दो, ठीक है, अब देखना ध्यान से सुनिए, ओ बच्चों एम इंटू वी पी बराबर लिखा, और ये आ जाएगा जे बराबर आई ओमेगा, जे बराबर आई ओमेगा, इसको कोणीय संवेग, इसको कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। अब जानते ही हो एम यहां आई का काम कर रहा है, पी यहां जे का काम कर रहा है, और वी यहां ओमेगा का काम, बताओ समझ में आया कि नहीं है, ए गिरिजा लिख लेना बाद में, ठीक है, आप लिखने में इतने व्यस्त हो जाते हो ना कि तभी आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती है, ठीक है, लिखा मत करो जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक, ठीक है, तभी मैं वीडियो ऑन करवाता हूं, ठीक है, ताकि मैं देखूं आपको करते क्या हो, ठीक है। देखो बच्चों सुनिए, अब अच्छा ये मैंने क्यों लिखा है बच्चों, ऐसे देखो अब यहां पर पी की डायमेंशन लिख सकते हो आप आराम से, पी बराबर एम वी याद है तो केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये क्या है आई इंटू ओमेगा, ओमेगा बराबर टू पाई न्यू, वो बात तो ये वही हुई, सिंपल सी बात हुई ना, ठीक है। तो ये देखो यहां पर एम का काम आई, पी का काम जे, वी का काम ओमेगा, और कर लो, और कर लेते हैं, ये देखो यहां पर लिखा जाता है फोर्स बल बराबर एम ए, और यहां लिखा जाता है टॉर्क बराबर एम का काम कौन करेगा, आई ए का काम करेगा अल्फा, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब कोणीय त्वरण,
कोणीय त्वरण, जे बराबर एफ बराबर एम ए और टॉर्क बराबर आई अल्फा। अब टॉर्क की यूनिट लिखी जा सकती है, अगर आप आई जानते हो तो, ए का काम अल्फा कर रहा है तो बात तो वही हुई ना। समझ आगे मत, आगे देखिए एफ बराबर एम ए, चलो ठीक है एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी, अरे एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी भी तो होता है, न्यूटन सेकेंड लो तो ये क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू डी जे अपॉन डी टी, टॉर्क इक्वल टू डी जे अपॉन डी टी, टॉर्क इक्वल टू डी जे अपॉन डी टी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसको टॉर्क बोलते हैं। समझ में आ गया जनाब, ऐसा इसका मतलब ये हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स का आधा पार्ट, ठीक है, और क्लासिकल मैकेनिक्स का आधा पार्ट एक ही चीज होती है, रोटेट करना है, क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है। अपने को क्या लेना है, आपको हर बात के आगे ये लगाना है मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर फोर्स, एंगुलर फोर्स, दैट इज टॉर्क, ठीक है, ये बातें बोल ली बस, ठीक है। अरे समझ में आया क्या ओ बच्चों? यस सर। हाँ सर। अब ये करो फिर इनकी डायमेंशन लिखेंगे अपन, ये लिखो बच्चों, बड़ा बड़ा लिखो पहले तो, मैंने छोटा कर दिया था, टेबल बना लो, सर अपनी क्लास का टाइम यही रहेगा क्या? क्या कह रहे हो? अपनी क्लास का टाइम यही रहेगा क्या सर? वैसे तू बता दे वसुंधरा, तू बता कि वही कर देंगे हम तो। नहीं नहीं सर, आप तू बता देना। वसुंधरा बता दे तू टाइम है? नहीं सर, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करना। मेरी इच्छा में तुम्हें पढ़ाई रहा हूँ ना चार चार। नहीं वैसे सर कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा टाइम का, लेकिन थोड़ा सा क्या थोड़ा आप है ना मेरे पास में 15 दिन पढ़ लीजिए। कितने दिन? 15 दिन। आप अगर फिजिक्स का पीछा छोड़ दो ना, मेरी गारंटी है मेरा नाम बदल देना। अभी तो तुमने मेरे को देखा नहीं है, ये मैं सिक्के का फर्स्ट पहलू हूँ, ये तो आपने सिर्फ मेरे को इतना ही जानते हो कि मैं ढाका जी हूँ, ठीक है, ढाका जी के जलवे नहीं जानते आप, ठीक है, लोग ऐसे ही कामयाब नहीं है मेरे यहाँ, ठीक है, इसको एक बार मैं हाथ लगा दिया ना, ठीक है, वो पवित्र हो गया ऐसे मान लो, ठीक है, तो मेरी संगत का असर नहीं जानते हो आप, ठीक है, आप तो ऐसे कहोगे गुरुजी 3 घंटे कम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हो, रात को भी शुरू हो जाओ, ठीक है, तो आप टेंशन मत करो, एक बार मुझे 15 दिन आपका डेमो जब तक पूरा नहीं हो ना, तब तक आप क्लास लो, देखी जाएगी, ठीक है, जब जो बच्चा यहाँ पर संतुष्ट हो जाए ना, तब अपने पैसे जमा कराना, मैं पढ़ा रहा हूँ, देखी जाएगी, 1 महीने ले लेना डेमो, और क्या करें सर। इवनिंग का बता रही हूँ मैं, वैसे बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, इवनिंग के बारे में थोड़ा। नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप कोई भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ा सा इस बैच को चलने दे, और बाकी आप जो कहोगे वो बैच रख लेंगे, मैंने ऐसा बोला। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना, अभी 10-15 दिन पढ़ो ना एक बार। हाँ बच्चों लिख लिया क्या? अच्छा ये क्या नाम है, कई बच्चे ये मेरी से शिकायत बहुत है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि बड़ा इगोस्टिक पर्सन है, कि ऐसे बोलता है मैं ऐसा मैं वो ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोलता, ये मेरा ईगो नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। गिरिजा सही कह रहा हूँ ना, मुस्कुरा रही बेटी बेटी। हाँ देखिए हो गया क्या? अच्छा ये करना था क्या? लो बच्चों
सर प्लीज इस वसुंधरा दीदी को बोले खुद को अनम्यूट रखे। अच्छा ठीक है बच्चों, अनम्यूट रखा करो। सर मैं क्लास क्यों, अच्छा क्लास क्यों छोड़ दे तू, अच्छा क्लास क्यों छोड़ दे तू? नहीं सर बस ऐसे ही, थोड़ी तबीयत खराब है। क्या तबीयत खराब है, बावली हो रखी है। पढ़ ले अपने फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर नहीं बनना क्या? फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर को याद करके ही कर लिया करो सब चीजें। हाँ सर। ऐसे ऐसे रिएक्ट किया करो जैसे मैं किसी की स्कूल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और 11 12th किसी मेरे पास की स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। गांव में कितना रुतबा होता है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का, होता है ना, घर में वैल्यू बढ़ जाएगी। आपके नाम के आगे लगने लग जाएगा। और लेक्चरर साहब क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा था यार, अच्छा ठीक है अब शुरू करते हैं। ठीक है अब ये वाली चीजें शुरू करते हैं, इनकी डायमेंशन और लिखते हैं, कोणीय वेग कोणीय त्वरण ये सब चीजें और लिख लेते हैं। जब आपको ये बताई दी है तो इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों दिखाना कर लेंगे बच्चों। आज तुमको समझ में आ रहा है मुझे ये पता है। पूछो क्यों पता चला ऐसा, क्योंकि 25 ही हो ठीक है, 100% है। पहले को देखिए, शुरू करें क्या? अच्छा जो भी बच्चा कोई बात बोलना चाहता है ना बीच में, तुरंत बोल के तुरंत म्यूट कर लिया करो अपने आप को, ठीक है, ताकि ये बच्चे प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। ठीक है बाकी तो देखो बोले बिना तो मजा नहीं आता है, बोलना तो पड़ेगा आपको बीच बीच में कोई टोंट मार दिया करो अपने, जरूरी नहीं है, फिजिक्स की बातें करो। ठीक है हाँ साइड का दिखाना प्लीज। क्या कह रहे थे? साइड का दिखाना सर एक बार। ये वाला? यस सर। हो गया सर। चलें अब चलो, अब आप तो याद करो कि किस किस की यूनिट लिखनी है। ठीक है अब अपन लिखेंगे कोणीय वेग कोणीय संवेग कोणीय त्वरण और कोई भी टॉर्क वगैरह वगैरह। अच्छा देखो पहले लिखो बच्चों कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग को क्या बोलते हैं? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं क्या इसको? अरे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं क्या? यस सर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है अब एक बात बताओ, कोणीय वेग इक्वल टू कोणीय विस्थापन डी थीटा अपॉन डी टी। अरे ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी ना, अब है ना। एक बात बताऊं आपको मैं, आप तो ऐसे याद रखा करो, इससे ज्यादा जल्दी याद होता है, क्योंकि बार बार अपने को लिखना है तो इसको ओमेगा बराबर थीटा डोटी है। इन फ्यूचर आपको ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी लिखना है। ठीक है इसलिए ये हो गया कोणीय विस्थापन बट्टे कोणीय, सॉरी समय ना,
समय, ठीक है। अब एक बात बताओ, थीटा, थीटा क्या है? यूनिट लेस। शाबाश। देखो बटो, आपको थीटा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अच्छा ठीक है, कोणीय बराबर, अरे यार एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या क्या लिख दो, डीएस बाई आर लिख दो, चाहे ऐसे बना के लिख दो, देखी जाएगी ये तो, और कुछ तो पता याद रहता है नहीं रहता, ये जरूर याद रहता है, ये आर है, ये डेल्टा एस है, डेल्टा एस इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। ये डायमेंशन लेस नंबर होता है, क्योंकि ये भी दूरी आएगी, ये भी दूरी है, दूरी बटा दूरी डायमेंशन लेस, ठीक है। तो ये तो छोड़ो, समय की बात आ गई, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो और डिवाइडेड बाई टी वन, बोलो हाँ, ये लो कर लो बच्चों, ओमेगा बराबर, अब देखो पता नहीं ये कोणीय वाणी से तो तुमको याद रहेगा नहीं रहेगा, डी थीटा अपॉन डीटी याद रख लिया करो, अच्छा है, देखो सुनो, अरे एक बात तो की नहीं, एक ऊपर वी भी तो लिख देते हैं, ये भी तो गरीब है, ठीक है, वी इक्वल टू डी एस अपॉन डीटी होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, तो वी बराबर ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, तो एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ये भी लिख दो गरीब को, करो बच्चो, हो गया ना, सब लिख लिया करो, चले क्या, ठीक है बच्चों, अरे चले गया, चलो ठीक है, पैरेलल में लिखने हैं ना अपने को, तो बातें तो पैरेलल में लिखनी है ना, ठीक है, देखो दो दो साथ लिखेंगे अपन, त्वरण और कोणीय त्वरण, एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। अब देखो बच्चों, ए बराबर में या छोड़ो ना, ए बराबर डीवी अपॉन डीटी, ठीक है, और ए बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एम वन एल जीरो एम जीरो एल वन और टी माइनस टू बराबर, इधर देखना, अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डीटी, ऐसे याद रखा करो, ये होता है, ठीक है, अल्फा पर देखो, ए का काम अल्फा, बी का काम ओमेगा, डीटी ठीक है, ठीक है, अभी तो यूनिट लिखी थी, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डीटी, ठीक है, इसका मतलब डी थीटा अपॉन डीटी और अपॉन डीटी, इसका मतलब एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, ठीक है, बस कर लो, ये मत सोच लेना कि ये रोटेशनल मोशन और नाम तो वही आ रहे हैं, इसलिए यूनिट भी सेम आएगी, हाँ देखो यूनिट अलग अलग आ रही है, उसके अंदर L1 आ रहा है, इसके अंदर L1 नहीं आ रहा है, अरे कल्पना समझ में आ रहा है ना यार, गहरी बारी कितनी इंटरेस्टिंग है, मैं अगर बच्चों को पढ़ाऊ ना
सब बच्चों को मैं डॉक्टर बना दूं, क्या तू तो हमें ही बना दे असिस्टेंट लेक्चरर, नेता मत बन। देखो बच्चों चले गया, त्वरण आ गया, कोणीय त्वरण भी आ गया अल्फा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब है मोमेंटम की बात कर ले, पी बराबर एम बी, किसकी बात करें, संवेग की बात करते हैं, संवेग, और इधर क्या होता है, कोणीय संवेग, संवेग और कोणीय संवेग, दैट इज लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों लीनियर मोमेंटम, P बराबर एम वी, जे बराबर आई ओमेगा, ठीक है। सुनना, ये तो आपको पता है, P बराबर के जी मीटर पर सेकेंड, तो एम वन एल वन टी माइनस वन बराबर, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप बाकी चीजें याद रखो, सीधा ही कर दिया करो ना, I बराबर एम इंटू आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, ऐसे ही लिख दिया करो ना, ठीक है। और देखो ये काम में भी आएगा, बच्चे की बात, ये देखो केपलर प्रॉब्लम काम में भी आएगा, ठीक है, केपलर प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखो बच्चों सुनिए मेरी बात, अब बच्चों जे बराबर के जी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड, और ये डायमेंशन लेस होता ही है, ठीक है, तो एम वन एल टू और टी माइनस वन, क्यों सही नहीं है क्या, सही है बच्चों, करो सही है। तो लगे हाथ है, लगे हाथ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन भी तो आ गई, एम वन एल टू टी जीरो आ जाएगी ना, लगे हाथ एक और कर लो अपना, क्या जा रहा है, आई बराबर एम आर स्क्वायर, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण। हाँ बोलो बच्चो, एंगुलर मोमेंटम फिर से बताना। अच्छा देखो एंगुलर मोमेंटम जे, देखो पी का काम जे, एम का काम आई, पी का काम ओमेगा, जे बराबर आई ओमेगा, बोलो। अरे जो पूछ रहा था वो बोलो ना, जे बराबर आई ओमेगा। सर कंप्लीट बताओ नीचे का, कंप्लीट कैसे बताऊं, मतलब नीचे का ये जे इक्वल, अच्छा जे बराबर आई ओमेगा, तू हाँ तो बढ़ती जा, अच्छा जे बराबर आई ओमेगा आ गया ना, फिर आई बराबर एम इंटू आर स्क्वायर, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, यस सर, एम बराबर के जी ये मीटर स्क्वायर, और ए डी थीटा डायमेंशन लेस, और पर सेकंड, आ गया सर, ठीक है ना, यस सर। अच्छा देखो एक और देख लो बच्चों, इधर देखो आई बराबर एम आर स्क्वायर, तो के जी इंटू मीटर स्क्वायर, सीधा लिख दू ना, एम वन एल टू टी जीरो, एम वन एल टू टी जीरो, सब चीजें याद करके आना घर पे, मजा बहुत आएगा, और ऐसे घर पे है ना बिना रेखे कर किया करो, ठीक है, कोई किताब विताब की कोई जरूरत नहीं है, एमएससी करके भी अगर आप ग्यारहवीं बारहवीं में लोचा करते हो तो बहुत बड़ी समस्या है, आप तो खुद के प्रति विश्वास नहीं करते हो, अदरवाइज हो तो पावरफुल आप, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना, अब की बार फर्स्ट ग्रेड है, चित आएगी ना, हाँ देखो बच्चों अब की बार निकालेंगे अपन रैंक, रैंक क्या निकालेंगे, 140 सीट और 140 बच्चे हैं तो अपनी, भाई जिसको सिलेक्शन नहीं लेना है ना वो दूसरी जगह कोचिंग ज्वाइन कर लेना,
इसको सिलेक्शन लेना है, मेरी कोचिंग ज्वाइन कर लेना, मुझे नहीं पता है, कोई रह जाएगा तो ठीक है, बाद में मत करना कि बताया नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, सच में मैं ये झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच में झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जागर नहीं कर रहा ये बात, ठीक है गिरिजा, मैं झूठ बोलता हूँ? नहीं सर। तेरी जरब नहीं हुई? हो गई, आपकी वजह से हुई है। तेरे साथ वालों की नहीं हुई? मेरी वजह से हो गई। ठीक है देखो बच्चों, देखिए अब आगे क्या करें, फिर कोणीय आवर्ती करें, ओमेगा बराबर 2π, ये तो कर लिया था वैसे तो, ठीक है। अच्छा एक और करते, टॉर्क करते, अच्छा चलो ठीक है, देखो बच्चों टॉर्क करते, बल आघूर्ण, अच्छा कौन सा फॉर्मूला याद है, टॉर्क इक्वल टू डीजे अपॉन डीटी, ठीक है तो डी आई ओमेगा अपॉन डीटी, ठीक है अब डी का कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेंथ मत लिख देना, ठीक है हाँ या चलो ठीक है ना, क्यों अपने को करना है, दूसरा फॉर्मूला याद करो ना, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस है, बहुत फेमस है, बल आ गया ना, ठीक है टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस है, ठीक है तो मीटर और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम वन एल टू टी माइनस, ठीक है कर लो बच्चों। इसीलिए तो न्यूटन को इतना याद किया जाता है, नहीं न्यूटन को कौन याद करता। देखो बच्चों और बताओ, चलो ठीक है सरफेस एनर्जी की बात करते, ठीक है बच्चों पृष्ठ ऊर्जा लिख लिया ना, ये पृष्ठ ऊर्जा सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा बल बट्टा क्षेत्रफल है, वापस आ गया, ठीक है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा अब एक बात सोचो, आपको है ना जब तक आपको मैथमेटिकल चीजें अगर याद नहीं है ना, ठीक है तब कैसे पहचानोगे, वो कहेंगे बताइए सेम यूनिट किसकी होती है, स्ट्रेस भी तो यही होता है, स्ट्रेस भी तो यही होता है, ठीक है बच्चों बल केजी मीटर पर एस स्क्वायर मीटर स्क्वायर एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, हो गया ना, हो गया ना, मुझे आज बताया तो मेरे को बहुत अच्छा समझ में आया ना सर। इसको दोबारा चेक करना, एल जीरो नहीं आएगा क्या इसके अंदर? अच्छा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया स्क्वायर मीटर स्क्वायर सही तो है, एनर्जी पर एरिया नहीं होता क्या ये पृष्ठ ऊर्जा? बल बटा क्षेत्रफल क्या कह रहे हो, सही तो है सर, बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा अच्छा रुको रुको, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल होता है, अरे बल बटा क्षेत्रफल नहीं होता रे, सॉरी ऊर्जा बटा क्षेत्रफल एफ डॉट डी एस, सही बोला भाई, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन, सही बोला भाई, एम वन एल जीरो टी माइनस टू, सॉरी भाई सर आज मैंने दो क्वेश्चन सही करवा दिए, बिल्कुल करवा दिए भाई। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, एक बात और बताऊं आपको, बताऊं क्या, आपके बिना मैं नहीं हूं और मेरे बिना तुम नहीं हो, ठीक है एक हाथ ले और एक हाथ दे, इसी को बोला जाता है, कई बार बोर्ड में मैं गलतियां कर देता हूँ, मैं गलतियां बहुत बार करता हूँ, ठीक है लेकिन आप मुझे बता दिया करो एक बार, ठीक है जिस बच्चे को अच्छे से आते हैं, हम दोनों से मिलकर ही भी नहीं है सर गाड़ी, एक पहिया आप एक पहिया हम, जी जी बिल्कुल। अच्छा देखो बच्चों अब कोई और रह गया गेरे? अच्छा थर्मो वाले बच्चे बच गए ना, पीवी बराबर है ना आरटी वाले, वो चक्कर बच गए ना, ठीक है अरे बच गए ना, और तो
प्रेशर होता है ना पीवी बराबर एनआरटी। अब थर्मो के कुछ करते हैं काम, ठीक है, थर्मो के कुछ काम करें, अच्छा दाब प्रवणता लिख लीजिए, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप मेरा कल का, अगर कल मैं दूंगा आपको वेग बटा दूरी, कल मैं आपको वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, कल मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा डीपीपी, ठीक है, 40 क्वेश्चन की, 30 क्वेश्चन की, वो अगर कर दो ना तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया, और अदरवाइज आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो बच्चों, मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, ठीक है, तो एम जीरो और एल जीरो टी माइनस वन, दाब प्रवणता, अरे यार वो ये तो वेग प्रवणता हो गया ना, दाब बट्टे दूरी, सॉरी भाई दाब बट्टे दूरी, देखना प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, अच्छा चलो ठीक है प्रेशर का भी लिख देते हैं ना, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यही तो होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, ये आ गया एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस एल वन, तो ये आ जाएगा एम वन एल माइनस टू टी माइनस टू, कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, गैस कांस्टेंट लिखते, थर्मो वाले पे आते, गैस कांस्टेंट, कितनी बजे तक होगी क्लास, क्या कर रही हो, कितनी बजे तक होगी क्लास, अरे तेरे तेरे क्या जा रहा है, तेरे क्या करना है, काम तो करना है, ओवर कर दो, काम करना है ना, काम करना है सर, छोड़ दे काम को, फिर करेगा फोन, एक दो और लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखो पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर, हेलो सर, हाँ जी सर, ऊपर वाले में करेक्शन कीजिए, आपने फिर से वो मिस्टेक कर दी, एल माइनस टू आएगा, अरे यार देखो रुको रुको, हाँ था दाब प्रवणता के अंदर चेंज कीजिए सर, आप दाब प्रवणता इक्वल टू, एक मिनट रुको, दाब प्रवणता इक्वल टू दाब बटे दूरी एम वन एल माइनस टू टी माइनस टू, सही तो है, सही तो है, सही है, सॉरी सर मैंने वो नीचे वाला देख लिया, वो अच्छा वो आपने ये देख लिया होगा, हाँ, ये दाब की बच्चों अलग से लिखी है, ये दाब की अलग से लिखी है, ठीक है, अच्छा देखिए सुनिए मेरी बात, अब गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट का कोई और फॉर्मूला याद है, पीवी बराबर एनआरटी, इससे भी हो जाएगा ना, ठीक है, आर आर इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी प्रेशर, सुनना ओ बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये मीटर क्यूब है, और ये मोल, और ये केल्विन, ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया केजी
मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल और के, तो एम वन एल फोर टी माइनस टू और के माइनस वन और मोल इनवर्स। देखिए देखिए सही लिखा गया एम वन एल टू सर एल अरे नहीं लिखा शायद एरिया का लिखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर ठीक है एल वन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर एम एल टू नहीं आएगा टू एम वन एल टू टी माइनस टू और के माइनस वन अब बोलो अब की बार सही है ना ये करो बच्चों। अच्छा और कोई जानते हो फॉर्मूला पीवी बराबर एनआरटी के अलावा गैस कांस्टेंट का कोई भी फॉर्मूला बोल सकते हो आप बच्चों? ऊर्जा पर मोल पर टेम्परेचर से भी कर सकते हैं पर केल्विन से नहीं ऐसे कोई अच्छा अच्छा फॉर्मूला बोलो ये तो किताब वाला है ये तो ग्यारहवीं की किताब वाला है कोई ऐसे बोला ना PV बराबर NRT, E बराबर KT, ठीक है ऐसे फॉर्मूले बोला करो ठीक है। अच्छा मैं बताऊं आपको ऐसा कोई फॉर्मूला बताऊं E बराबर 3 बाई 2 KT ना हाँ KT को तो लिख सकते हैं ना NRT ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना 3 बाई 2 R बराबर NA के बीच होता है ठीक है समझ गए मेरी बात को तो E बराबर 3 बाई 2 के टी से भी कर सकते हो शायद ठीक है K की जगह वैल्यू पुट कर देना R अपॉन N A आपने ये बोला था ठीक है वो यहाँ से हो जाएगा छोड़ो आगे सिखाएंगे ऐसी चीजें। अच्छा देखो बच्चों और कोई बोलो अच्छा ठीक है लगभग आपके फॉर्मूले आ गए ना और बाकी जैसे जैसे मैं टॉपिक्स में करता जाऊंगा ना वैसे वैसे मैं लिखता जाता हूँ एमएलटी फॉर्म तो मैं कब के लिख देता हूँ ठीक है तो ये तो अपना हुआ एमएलटी फॉर्म हुआ बहुत सारा के लेकिन अपन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की दो चीजें रह गई है अपनी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की दो चीजें रह गई है ठीक है दो चीजें कौन कौन सी रह गई लिखा दूं क्या लिखा दूं यस सर यस सर आप कल सर नहीं कल करवा देना सर सर कल करा देना प्लीज हो सके तो 3 बजे से ले लो ना क्लास हाँ 3 से 6 कर लो सर हमारी तरफ से नहीं सर 3 से नहीं हो पाएगा हमारा कॉलेज टाइम रहता है